नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोल्हापुर जिला अंतर्गत हिरेवाड़ ग्राम पंचायत द्वारा विधवा प्रथा बंद करने का प्रस्ताव मंजूर किए जाने की चर्चा इस समय पूरे राज्य में है और अब इस हिरेवाड़ पैटर्न पर पूरे राज्य में अमल भी किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी करते हुए कहा गया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों ने विधवा प्रथा को बंद करने हेतु हिरेवाड़ ग्राम पंचायत के आदर्श को सामने रखते हुए काम करना चाहिए। इस अनिष्ट प्रथा को बंद करने का निर्णय कोल्हापुर जिला अंतर्गत हिरेवाड़ ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी पल्लवी कोल्हेकर व सरपंच सुरगुंडा पाटिल द्वारा लिया गया था। पश्चात विगत 5 मई को हिरेवाड़ ग्राम पंचायत ने विधवा प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसकी चर्चा देखते ही देखते राज्य के कोने कोने में शुरू हो गई और अब राज्य सरकार ने हिरेवाड़ ग्राम पंचायत द्वारा उठाए गए कदम को आदर्श बताते हुए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों से इसका पालन करने हेतु कहा है। कुछ दिन पहले तक एक दूसरे के खिलाफ कट्टर शत्रुत्व की भूमिका में दिखाई देने वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा अब एक ही पंगत में साथ बैठकर भोजन करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान दोनों के बीच काफी हद तक आत्मीय व शालीन बातचीत भी हुई। इन दोनों नेताओं के एक साथ दिखाई देने वाले फोटो व वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, साथ ही नेटिजन्स द्वारा इसे लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। इस समय लद्दाख दौरे पर रहने वाले सांसद संजय राउत तथा विधायक रवि राणा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों ही एक पंगत में बैठकर भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय दोनों के बीच एक अन्य सांसद बैठे हुए हैं। ऐसे में सांसद संजय राउत और विधायक रवि राणा एक दूसरे से बात करने के लिए एक दूसरे की ओर थोड़ा झुके हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ताकि आराम से बातचीत हो सके। कुछ दिन पूर्व हनुमान चालीसा को लेकर मचे हंगामे के चलते राणा दंपत्ति तथा शिवसेना के बीच काफी तनावपूर्ण हालात बन गए थे और सांसद संजय राउत ने राणा दंपत्ति को जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ने की धमकी तक दे डाली थी। वहीं अब दोनों नेताओं के एक दूसरे के साथ बड़े दोस्ताना माहौल में बैठकर भोजन करने के फोटो वीडियो सामने आने को लेकर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। विगत 23 अप्रैल को एक खबर सामने आई थी कि अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कामों के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान 7 करोड़ रुपए की सांसद विकास निधि मंजूर हुई, जिसमें से सांसद नवनीत राणा द्वारा केवल 3,50,34,000 रुपए के ही काम किए गए और वे विकास निधि खर्च करने में काफी पिछड़ गए। लेकिन अब इसे लेकर सांसद नवनीत राणा ने सरकारी दस्तावेजों के साथ विस्तृत ब्यौरा देते हुए पाई पाई का हिसाब बताया है। साथ ही कहा है कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त विकास निधि का सरकारी नियमानुसार बराबर खर्च किया। इस बारे में जिला प्रशासन द्वारा सांसद निधि के खर्च को लेकर तैयार किए गए दस्तावेज को उपलब्ध कराते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती संसदीय क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-2020 में कुल 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4,87,00,000 रुपए के कामों को प्रशासकीय मान्यता प्राप्त हुई और 3,50,34,000 रुपए का वितरण पूर्ण हो चुके कामों अथवा प्रगति पथ पर रहने वाले कामों के लिए किया गया। वहीं 2020-2021 के लिए कोविड संक्रमण जारी रहने के चलते कोई विकास निधि नहीं मिली और वर्ष 2021-2022 के लिए विगत मार्च माह के दौरान 2 करोड़ रुपए की निधि मिली है, जिसके कामों के लिए फिलहाल प्रस्ताव और प्रशासकीय मान्यता मिलना ही बाकी है। ऐसे में इस निधि के खर्च होने का सवाल ही नहीं उठता। विगत लंबे समय से कांग्रेस की अमरावती शहर कार्यकारिणी के गठन का मामला अधर में लटका हुआ था। करीब 1.5 वर्ष पहले मनपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत को कांग्रेस का शहराध्यक्ष बनाए जाने के बाद से शहर कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रतीक्षा की जा रही थी। वहीं विगत वर्ष पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के कांग्रेस में वापस लौट आने के बाद इसे लेकर गतिविधियां और उत्कंठा तेज हो गए और उम्मीद जताई जा रही थी कि शहर कांग्रेस कमेटी के लिए जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इसी उम्मीद के अनुरूप आज कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने शहर कांग्रेस कमेटी के लिए जंबो कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें कुल 230 पदाधिकारियों के नामों का समावेश है। इस जंबो कार्यकारिणी में 21 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 40 महासचिव, 84 सचिव, 11 सहसचिव, 25 संगठन सचिव, 5 कार्यकारिणी सदस्य, 3 ब्लॉक अध्यक्ष तथा 5 प्रदेश प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही कांग्रेस के मौजूदा व पूर्व विधायकों सहित वरिष्ठ कांग्रेसियों के नामों का समावेश करते हुए 29 विशेष निमंत्रितों की नियुक्ति भी की गई है। इस समय महाराष्ट्र विधानमंडल की विमुक्त जाति व भटकिया जनजाति कल्याण समिति द्वारा अमरावती जिले का दौरा किया जा रहा है। यह समिति 2 दिन पूर्व जिला दौरे पर अमरावती पहुंची, जिसके बाद समिति ने जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हुए तांडा बस्तियों को भेंट दी, साथ ही आश्रमशालाओं व छात्रावासों की जाँच पड़ताल भी की। शहर में 350 से अधिक कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, इसमें से कुछ कोचिंग क्लासेस तीसरे व चौथे मंजिल पर चल रहे हैं, जिसकी अनुमति महानगरपालिका से नहीं ली गई और कोचिंग क्लासेस में अग्नि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं है, जिस पर मनपा ने सभी कोचिंग क्लासेस संचालकों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रबंध करने के नोटिस जारी किए। लेकिन अधिकांश कोचिंग क्लासेस द्वारा महानगरपालिका की नोटिस को कोई प्रतिसाद नहीं दिया गया, जिस पर संबंधित कोचिंग क्लासेस को 7 दिन के भीतर अनुमति प्राप्त कर अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करने के आदेश मनपा आयुक्त द्वारा जारी किए गए।
अमरावती शहर के सभी 5 जोन अंतर्गत 154 से अधिक जर्जर इमारतें हैं। ये इमारतें बारिश में गिरकर अनहोनी होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में महानगर पालिका द्वारा संबंधित जर्जर इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी कर जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने हेतु कहा जाता है, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद आगे की कोई कार्रवाई महानगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की जाती। ऐसे में विगत कई वर्षों से जर्जर इमारतों की स्थिति जस की तस कायम है। वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका द्वारा नोटिस का खेल खेला जा रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इस खेल को बंद करते हुए सभी जर्जर इमारतों को लेकर ठोस भूमिका अपनाई जाए। शहर के व्यापारिक संकुलों के बेसमेंट व पार्किंग में बारिश का पानी जमा न हो, इस हेतु सभी व्यापारिक संकुलों में डी वाटरिंग के प्रबंध करने के निर्देश महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए। इसके बावजूद यदि बारिश के दौरान दुकानों में बारिश का पानी घुसकर तबाही मचाता है तो इसके लिए संबंधित व्यापारिक संकुल के मालिक अथवा दुकानदार ही जिम्मेदार होंगे। नांदगांवपेट MIDC में रतन इंडिया कंपनी की ओर से वेतन बढ़ोतरी में प्रकल्पग्रस्तों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। इस विरोध में प्रकल्पग्रस्त आक्रामक हुए हैं और प्रकल्पग्रस्तों ने कंपनी को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए वेतन बढ़ोतरी के मामले में न्याय नहीं मिलने पर तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। महानगर पालिका व अन्य स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण के बिना चुनाव नहीं करवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा के सचिव योगेश वानखड़े ने जिलाधीश के जरिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। सनातन संस्था की ओर से आगामी शनिवार 21 मई को हिंदू एकता दिंडी का आयोजन किया गया है, जिसके संदर्भ में यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी देते हुए कहा गया है कि सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत आठवले के 80वें जन्मोत्सव पर्व पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति करने हेतु हिंदू राष्ट्र जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। सनातन संस्थेच्या संस्थापक परमपूज्य डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले यांच्या 80व्या वाढदिवसानिमित्त आपण ही दिंडी काढत आहे। ही दिंडी सायंकाळी 5:30 एकवीरा देवी मागील जे प्रांगण आहे मंदिराचं त्या ठिकाणाहून ही फेरीची सुरुवात होणार आहे आणि ती वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे जसं गोरक्षण चौक आहे, गांधी चौक आहे, सरोज चौक आहे, राजकमल आहे आणि शेवट जो आहे तो अंबापेठ येथील गोपाळकृष्ण मंदिरामध्ये त्यांच्या प्रांगणामध्ये आपण ती फेरीची सांगता करणार आहोत। ह्या दिंडीमध्ये समस्त हिंदू सहभागी व्हावे आणि याचा उद्देश एवढाच आहे की या फेरीमध्ये या दिंडीमध्ये आपण सर्वांनी आपले आप्तेष्ट नातेवाईक यांना घेऊन या आपली संस्कृती परंपरामध्ये जे काही बालसाधकांपासून पुरुष महिला परिवेश धारण करून यामध्ये सहभागी होणार आहे। या दिंडीमध्ये आपण जे काही पथकं तयार केलेली आहे जसं की विविध हिंदुत्वादी संघटना संप्रदाय आणि आध्यात्मिक जे आचरण करणारे संस्था आहे त्यासुद्धा यामध्ये सहभागी झालेले आहे। भारतीय संस्कृतीचे जे 2 वर्षामध्ये आपण कोरोना काळामध्ये ही जी भारतीय संस्कृती नावरूपाला राहिलेली आहे, आपली प्रथा परंपरा याचा मुख्य जो जोपासावे आणि त्याची वृद्धिगत व्हावी हा सुद्धा ह्या दिंडीचा मुख्य उद्देश आहे। ह्या दिंडीमध्ये समस्त हिंदूंना मी आवाहन करते की त्यांनी या दिंडीमध्ये आपला जो सक्रिय सहभाग आहे तो वाढवावा आणि आपले जी काही पथके असेल अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ एवं महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़ा व्यापारिक हब माने जाते सिटीलैंड का संचालन करने वाली सिटीलैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर शहर के सुख्यात व्यवसायी मुकेश हरवानी का गत रोज निर्विरोध निर्वाचन किया गया। वे अगले 3 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विश्व संवाद दिवस के अवसर पर देवर्षि नारद पत्रकारिता पुरस्कार वितरण का समारोह नारद जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। इस उपलक्ष्य में श्रीलांगन रोड स्थित वेंकटेश लॉन के लक्ष्मी हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 पत्रकारों को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए पत्रकारों में अरुण जोशी, रविन्द्र नवलाखे व गोपाल हागे का समावेश रहा। गेल्या 15 वर्षापासून मी पत्रकार क्षेत्रामध्ये काम करत आहे आणि त्याच कामाची पावती आज मला मिळाली, त्यामुळे मला खूप आनंद झाला आणि 15 वर्ष त्या क्षेत्रात काम करत आहे त्या
क्षेत्र राजकीय सामाजिक क्रीडा या क्षेत्र सतत काम करता है आणि आधुनिक करत आहोत मात्र या क्षेत्रात काम करताना माझ्या पाठीची माझी पाठी मोठ्या मागे उभी असते तिचा हक्कार मला नेहमी असतो कारण की पत्रकार क्षेत्र हे असं आहे की कोणती घटना कधी झाली तरी त्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राचा जर विचार केला तर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामध्ये कोणती मोठी घटना झाली तर त्या ठिकाणी जाऊन आम्हाला रिपोर्टिंग करावं लागते आणि त्यावेळेस वेळ कोणती आहे काय कोणता हे पाहता येत नाही त्यामुळे रात्री 12 वाजता जरी घटना घडली तरी आम्ही त्या ठिकाणी जातो आणि ते कव्हरेज करतो त्यामुळे गेल्या सातत्याने मी 15 वर्षामध्ये ज्यांचं कार्य हे ऋषींसारखं लौकिक पण आहे असे देव आणि ऋषी असलेले देवर्षी नारदांच्या पुण्यपावन स्मृतीला विनम्र अभिवादन भारत मातेच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो यांचं अभिवादन करत असताना ज्या पत्रकार बंधूंना आज या ठिकाणी विश्व संवाद केंद्रातर्फे सन्मानित केल्या गेल असे श्री गोपालजी हागे श्री जोशीजी श्री नवलाखेजी यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. विचार करत होतो माझा पत्रकारितेचा तसा संबंध नाही आणि तसा खूप जवळचा संबंध आहे सुद्धा काय बोलावं माझं तर मी शिक्षक म्हणून अनेक वर्ष 22-25 वर्ष काम केलं त्याच्यामुळं वर्गात खळू आणि डस्टर याच्यासोबत आयुष्य गेलं तर मला स्टेजवर विचार करताना जसं खूप या क्षेत्रामध्ये आणि माझ्या क्षेत्रामध्ये खूप असं साम्य जाणवलं आणि साम्य मग ते जुडत गेलं असं की आम्ही शिक्षक सुद्धा एक पिढी घडवत असतो त्याचं प्रबोधन करत असतो तो वर्ग असा 50 ते 60 विद्यार्थ्यांचा असतो आणि पत्रकार सुद्धा एक छोटा नाही पण मोठा वर्ग त्यांचा समाज जो आहे त्या समाजाचं प्रबोधन करत असतात त्याच्यामुळे इन अदर वर्ड्स तुम्ही त्यांना शिकवतच असता नवीन नवीन धडे देत असता कोणी लेख लिहित असतं पण मुख्यत्वे आपण बातम्या देत असतात तर ते प्रबोधन करत असताच आपण पण त्याच्यामुळं पत्रकार आणि शिक्षकांमध्ये फार फरक नाही आहे असं मला वाटतंय तसंच जसं साम्य आहे तसे आव्हानं पण आमच्यासमोर आहे या बदलत्या काळामध्ये खूप मोठी मोठी आव्हानं शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहेत. विगत 9 मई को राजस्थान के दरगाह अजमेर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली निवासी मोइन कुरैशी नामक व्यक्ति की पत्नी के हैंडबैग से किसी अज्ञात चोर ने 20 लाख रुपए मूल्य के हीरे जड़ी सोने के आभूषण चुरा लिए थे. पश्चात मामले की जांच पड़ताल के बाद राजस्थान की दरगाह अजमेर पुलिस को पता चला कि 20 लाख रुपए के गहने चुराने वाले चोर अमरावती शहर से वास्ता रखते हैं. ऐसे में गत रोज राजस्थान पुलिस की टीम अमरावती पहुंची और उन्होंने इस बारे में शहर पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले से मुलाकात की, जिसके बाद गाड़गेनगर पुलिस के सहयोग से हबीब नगर नंबर 2 परिसर में रहने वाली समीना परवीन वसीम अली नामक महिला को इस मामले में गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण भी बरामद किए गए. पता चला है कि समीना परवीन के साथ चोरी की इस वारदात में उसके पति वसीम अली सहित 2 से 3 लोगों का समावेश था जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है. गत रोज नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एकेडमिक ग्राउंड से रेहान कुरैशी नामक 15 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस बच्चे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुरहा परिसर में जाकर जांच पड़ताल करनी शुरू की, लेकिन कुरहा गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं रहने के चलते पुलिस को वहां से इस मामले में कोई खास मदद नहीं मिली. गोपाल नगर परिसर में प्रदीप जायसवाल नामक व्यक्ति द्वारा किराना दुकान की आड़ में अवैध तरीके से शराब व वर्ली मटका का व्यवसाय किया जा रहा है, जिसके कारण इस परिसर में शराबियों का हंगामा मचा रहता है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए इन अवैध व्यवसायों को बंद कराए जाने की मांग को लेकर ज्योति कॉलोनी परिसर की महिलाओं ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 17 मई से 21 मई तक अमरावती शहर में महाराष्ट्र पुलिस कानून की धारा 37(1) व 37(3) के तहत अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया है कि आगामी 15 दिनों तक अमरावती शहर में किसी भी तरह की शोभा यात्रा रैली व मोर्चे व आंदोलन जैसे आयोजन नहीं हो पाएंगे.
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मार्डी रोड स्थित डॉक्टर पचलोरे अस्पताल के संचालक डॉक्टर विक्रम सिंह पचलोरे निजी कार्यक्रम के लिए परिवार के साथ मुंबई गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनके अस्पताल व घर को निशाना बनाते हुए 1,90,000 रुपए का माल चुरा लिया। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गौतम नगर परिसर में रहने वाली युवती के पिता की मुंह बोली बहन के लड़के ने उसे छेड़ा। इतना ही नहीं तो विवाह करने के लिए जिद भी की और युवती द्वारा मना करने पर चाकू निकालकर युवती और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में संदीप गेडाम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। रुकनी नगर से हमालपुरा मार्ग पर जोगलेगर प्लॉट के पास शराब के नशे में धुत एसटी बस चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से पीछे से आ रहा महाविद्यालयीन छात्र मोटरसाइकिल समेत बस से जा भिड़ा। यह समझ में आते ही परिसरवासियों ने नशे में धुत रहने वाले बस चालक गोविंद उगले की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे 14 दिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद भी डॉक्टर पंकज दीवान ने पुलिस के सामने डॉक्टर प्रियंका दीवान की हत्या को लेकर अपना मुंह नहीं खोला। ऐसे में पुलिस की जांच पूरी तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर है, जिसके चलते पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के बिस्मिल्ला नगर निवासी इरफान खान के रिश्तेदार सलमान शाह, इरशाद खान व सुल्तान ने बात करने के बहाने घर से बुलाकर और घरेलू विवाद के चलते चाकू से सपासप वार करते हुए इरफान को घायल कर दिया। नागपुर गेट पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दशहरा मैदान के सामने रोड से मोटरसाइकिल पर जा रहे 65 वर्ष श्री विजय सिंह खोखर को अचानक चलती मोटरसाइकिल पर चक्कर आया और मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया और हालत नाजुक होने के चलते नागपुर रेफर किया गया, लेकिन नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान विजय सिंह खोखर की मौत हो गई। राजूरा बाजार के युवक की खेत में ट्रैक्टर से नीचे गिरकर रोटावेटर में फंस जाने की वजह से मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त आशीष भूरे के तौर पर हुई है। खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के कोकरडा से हायापुर मार्ग पर कुर्तेगांव टी पॉइंट के पास दो मोटरसाइकिलें आपस में जा भिड़ी। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार ज्ञानेश्वर भारसाखले नामक वृद्ध की मौत हो गई। शिवसेना के उपजिला प्रमुख योगेश घराड़ पर बंदूक से गोली चलाकर हत्या करने के प्रयास के बाद फरार आरोपी फरदीन को वरुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत में पेश करने के बाद अदालत ने उसे 23 मई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश जारी किए हैं। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवती ट्यूशन क्लास से अपनी सहेली के साथ पैदल घर जा रही थी। इसी दौरान स्वप्निल पाठक ने साइकिल से पहुंचकर उसे लव लेटर पकड़ाया और युवती द्वारा रिस्पांस नहीं देने पर उसे देख लेने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्वप्निल पाठक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। अकोट स्थित ससुराल से बेटी को वापस अमरावती लाते समय रात 10:30 बजे के आसपास दरियापुर से 10 किलोमीटर आगे टवेरा वाहन व एक कार के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई। इस हादसे में अमरावती के छायानगर निवासी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को शहर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।